हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और चांदनी चौक, ये तीन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी एक भी विधानसभा सीट जीतती हुई अभी तक नहीं दिखाई दे रही। यानी बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आई। ये वो तीन सीटें हैं जहां से प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और हर्षवर्धन एक तरीके से बीजेपी के सांसद हैं। तो केजरीवाल के काम पर मुहर लगी है, तीसरी बार सीएम बन रहे हैं, हैट्रिक लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी का पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चला, पोलराइजेशन करने की कोशिश नहीं चली। पांच साल में केजरीवाल ने जो काम किया उसको जनता ने पसंद किया और केजरीवाल के काम के मुकाबले बीजेपी की नीतियों को, उसकी रणनीति को जनता ने पसंद नहीं किया। इस रिजल्ट के यही माने, केजरीवाल पर जो निजी हमले हुए उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। राज्यों में स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग का ट्रेंड है। बीजेपी चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल को बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाई, केजरीवाल हावी रहे। प्रचार में काम के नाम पर वोट मांगा केजरीवाल ने, इसलिए उनको फायदा हुआ। मोदी का नाम नहीं जाने दिया, शाहीन बाग से दूरी बनाए रखी, इसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा। कांग्रेस ने चुनाव में कोई जोर नहीं लगाया, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए फेवरेबल रहा। प्रचार में काम के नाम पर वोट मांगना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रहा। और बीजेपी क्यों हारी? तो केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, बड़ा चेहरा तो दूर की बात, जनता के मुद्दों से काफी दूर दिखाई दी। चुनाव में ध्रुवीकरण की जो कोशिश बीजेपी ने की उसका वो बूमरैंग कर गया, उल्टा पड़ गया। केजरीवाल के फ्री वार फॉर्मूले का कोई तोड़, कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं था। और आइए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर वाकई में बहुत तेजी से सेलिब्रेशन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के विजयी भाषण का इंतजार चल रहा है। मेरी सहयोगी सुरभि काग ने रिपोर्ट फाइल की है, पहले वो देख लेते हैं। उत्तराखंडी लोग हैं, हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं कि ये जो नकली राष्ट्रवाद करते हैं उसकी हार है। असली राष्ट्रवादी वो होता है जो देश का विकास करता है और दिल्ली का विकास करता है। और विकास के आगे नफरत की हार हुई है और हम दिल से दिल्ली के केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर कई लोग ढोल भी बजा रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि सर आप जो है कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है, हम उत्तराखंड से आए हैं, वैसे विनोद नगर रहते हैं, मंडावली। तो दिल्ली का चुनाव दिल्ली का नहीं है, ये आप प्रूफ कर रहे हैं आज? जी दिल्ली का प्रूफ कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जीत पर क्यों खुशी क्यों है? उत्तराखंड से आए हैं आप, क्या क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल के लिए? केजरीवाल के लिए जैसे पाँच साल दिल्ली को चमकाया वैसे पाँच साल और चमका दे रहे केजरीवाल ही यही रहे। जी तो अभी रुझानों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है अभी आगे बढ़ चल रही है। यहाँ पर बैंड बाजे के साथ भी जो उत्तराखंडी स्टाइल में यहाँ पर एक आपको फूफू तो नहीं बोलूंगी, इसको हॉर्न बोलेंगे, यहाँ पर जो शख्स मौजूद है उन्हीं से ही बात करते हैं कि सर आप जो है ये क्या बजा रहे हैं, क्या बोलते हैं? इसे रणसिंगा बोलते हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? हम उत्तराखंड से आए, मनमोहन कुमार नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी जो है अभी रुझानों में आगे चल रही है, दिल्ली में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर आए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप उत्तराखंड से आए हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर, इसके लिए दिल्ली का सीएम देश का पीएम कन्फर्म है? हैट्रिक कन्फर्म है लखना, केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे 100%। और दिल्ली का सीएम देश का पीएम, क्योंकि दिल्ली की जनता ने वोट दिया है विकास के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, जो देश का वोट दिया है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दिल्ली की जनता नहीं बटी है, दिल्ली की जनता ने इन फिरकापरस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।